हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए और एक कंफ्यूजन भगाओ वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम लोग कंफ्यूजन भगाएंगे जो चार तरह का टिश्यू पड़े हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये चार तरह के टिश्यू में कहाँ पे किस किस तरह का इंटरसेलुलर जंक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंटरसेलुलर जंक्शन तीन तरह के पाए जाते हैं एनिमल सेल में, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहियरिंग जंक्शन। और भी कुछ तरह का सेलुलर जंक्शन होता है लेकिन एनसीईआरटी में उस चीज का जिक्र नहीं किया गया, तो नीट पर्पस में हम लोगों को वो सारी चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं। पहले एपिथेलियल टिश्यू में ये तीनों ही जंक्शन प्रेजेंट है, टाइट जंक्शन भी प्रेजेंट है, गैप जंक्शन भी प्रेजेंट है और एडहियरिंग जंक्शन भी प्रेजेंट है। कहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू में। अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। अब सभी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू में जो ये जो जंक्शन है इंटरसेलुलर जंक्शन ये नहीं पाए जाते, जैसे कि ब्लड का बात किया जाएगा, लिम्फ का बात किया जाएगा, तो यहाँ पे कोई सेलुलर जंक्शन मौजूद होने का जरूरत ही नहीं है। वही कनेक्टिव टिश्यू में अगर टेंडन्स या लिगामेंट्स का बात किया जाएगा तो टेंडन्स और लिगामेंट्स में हम लोग को गैप जंक्शन देखने को मिलता है और एडहियरिंग जंक्शन या एडहेरेंस जंक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल या स्मूथ मसल या विसरल मसल, तीसरा है कार्डियक मसल। ठीक है, अब पहला स्केलेटल मसल में कोई भी प्रकार का सेल टू सेल जंक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है, स्केलेटल मसल में। उसके बाद दूसरा है अगर स्मूथ मसल का बात किया जाएगा तो वहां पे गैप जंक्शन बहुत देखने को मिलता है, और कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क जो होते हैं, ठीक है, जो कार्डियक मसल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वहां पे भी हम लोगों को क्या है गैप जंक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखो गैप जंक्शन हाईलाइटेड कहाँ पे है, मस्कुलर टिश्यू में, इधर कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल्स में। स्केलेटल मसल में गैप जंक्शन या एडहेरिंग जंक्शन या टाइट जंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू में एडहेरिंग जंक्शन भी थोड़ा बहुत पाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे न्यूरल टिश्यू। ऑब्वियसली यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है और हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन रेस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल साइनप्स जब जहाँ पे बनेगा न्यूरोन टू न्यूरोन, तो इलेक्ट्रिकल साइनप्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे गैप जंक्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, अभी इंटरसेलुलर जंक्शन को लेकर तुम लोगों का जो डाउट है वो अभी क्लियर हो गया है। और याद रखना, ये इंटरसेलुलर जंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है नीट में, तो कभी भी ये सारी चीज़ों को मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।